तो अभी फाइनली प्रेजेंट हो असम डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी एयरपोर्ट पे। अचानक अचानक प्लानिंग मेरा बन रहा है, अभी जाऊंगा मुंबई। तो अचानक 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 कल परसों दिल्ली से गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से घर, और घर से आज फिर से जा रहा हूँ मुंबई। तो आज का सफ़र आप लोग के साथ, तो आप लोग बने रहिए। गेट नंबर 3 पे हम सभी लोग रुके हुए हैं और सभी लोग जाएंगे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद ही मेरा जॉइंट टिकट है। दोस्तों मेरा जो टिकट है वो जॉइंट टिकट है, पहले हम लोग उतरेंगे दिल्ली पे। और अगेन यहाँ पे अपना रिलेटिव्स भी मिल रहे हैं, हम लोग का महातेपुर का ही, हम लोग का फैन सर्कल सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे अपना रिलेटिव्स भी मिल रहा है, एक साथ हम लोग जाएंगे अभी। ये है टिकट यहाँ पे और यह है एंट्री गेट। वंस अगेन फिर से आ चुका हूँ, ये है मुख्य द्वार। जिंदगी है, जीना पड़ेगा, एक एक वक्त मेहनत करके ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि मैं आसमानों पे हूँ और वहां पे आप लोग देख सकते हो पूरा नीदन क्लीन से पूरा बड़ा 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 वाला पहाड़। बहुत दिल को सुकून लगता है, लेकिन प्लेन में बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ी में जाओ हल्का लगेगा, प्लेन में बैठने से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ लगता है मेरे दोस्तों। नाना नानी पीछे में है, मैं आगे में बैठ गया, एक बार देखने के लिए चलते हैं। ओहो हो, सभी लोग पूरा सो के आग साग बन यहाँ पे ए जाए, ठीक है ओके। अभी जाके आया और बोला है कि ठीक है, क्योंकि नाना नानी का पहला फ्लाइट है, हम लोग का महातेपुर का ही है। नाना नानी जीजो कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचता था कि इतना फ्लाइट उठूँगा, इतना फ्लाइट उठूँगा, लेकिन क्या देखो किस्मत। फाइनली रिसीव गाइस दिल्ली। फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं सही सलामत, आ चुका है नाना नानी भी। अच्छा से जाइएगा, सेफ जर्नी, थैंक यू। ओके मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों मेरा है जॉइंट टिकट और मेरा है करीबन 9 बजे, 9:30 को है और अभी बज चुका है 6, तो अभी मुझे टर्मिनल 2 पे फिर से जाना पड़ेगा। गाइस वीडियो आरंभ ना करने से पहले मैं आप लोगों को लकी जेड गेम का बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले एक वीक से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि पिछले वीक मैंने कितने पैसे कमाए, और आज मैं आप लोगों के सामने में मैं शुरू करूंगा और आप लोग देखोगे कि मैं कितने एक्सेस में कैश करता हूँ। सो गाइस मैंने ये शुरू कर दिया है और गाइस ये पूरा ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ये देखो गाइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जा रहा है 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 जा रहा है, यस मैंने जीत लिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस देखा कि मैंने पैसा कितना जीता, सो मुझे एक मिनट भी नहीं हुआ। और सेकेंडली आप लोग 3 घंटे में आप लोग खेल के मिल सकता है X200 में, आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि एक वीक में कितना हो सकता है, और इजीली आप लोग इस अमाउंट को बहुत ही आसानी से आप लोग वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 500% बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे। फाइनली अभी हूँ मुंबई पे, कल आ गया, आने का बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। दिल्ली से डायरेक्ट मैं मुंबई आ गया और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, कुछ काम के लिए आया हूँ, एंड आई एम सो सॉरी मैं कंटिन्यू में अप टू डेट में नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, जान है तो जहान है कि नहीं। और आप लोग कंटिन्यू मेरा ब्लॉगिंग को रुक रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी दे रहे हैं वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो। मैं अभी, क्योंकि सबको पता है मैं स्ट्रगल लाइन पे अभी भी हूँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हासिल कर लिया, मुझे अभी बहुत कुछ में मुझे करना है। तो एक रियलिटी शो पे मैं आया हूँ जिसमें मुझे बुलाया गया है, तो अचानक 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 से पूरा हो रहा है मेरा प्लानिंग। और पहले गुजरात, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से फिर से घर, घर पे एक दिन रहा, फिर से नेक्स्ट डे आसाम, आसाम से फिर से दिल्ली, दिल्ली से फिर से मुंबई, इतना फ्लाइट कर चुका हूँ बोलो ही मत। और अभी मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग निस्वार्थ भाव से आप लोग प्रे कर देना, गॉड ब्लेस यू बोल देना कि मेरा काम में जो काम कर रहा हूँ वो मुझे सफलता प्राप्ति हो इन फ्यूचर, या आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इन फ्यूचर मेरे लिए भी बहुत ही काम आएगा। और सेकेंड बस्ती का ब्लॉग सभी को रुक रहे हैं, ऑब्वियसली मैं अभी ज़रा दिन नहीं है, मैं मुंबई पे मैं कुछ ही दिन रहूँगा, रहने का बाद मैं ट्राई करूँगा मुंबई का ब्लॉग डालने के लिए, लेकिन मैं जिस टॉपिक के लिए मैं आया हूँ, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मैं उसका बदले में उसका उसका मैं टॉपिक को मैं बिल्कुल भी नहीं
छेड़ छकता, क्योंकि मुझे इसमें मुझे एग्रीमेंट किया गया है, अगर टाइम अगर मुझे मिले मुंबई पे मैं मुझे ब्लॉगिंग बनाने के लिए, तो मैं श्योर मैं ब्लॉगिंग बनाऊंगा और आप लोग का सामने में मैं श्योर दिखाऊंगा। इसके दिन तो मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैं घर जाऊँगा तब मैं कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग बनाऊंगा, जब वक्त आएगा ये ट्रॉपिक को भी मैं छेड़ के मैं निकाल दूंगा आप लोग का सामने में। हम इंसान है और हमें कंटिन्यू काम करते रहना है। कहता है ना, मिले तो बेस्ट, ना मिले तो नेक्स्ट। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तो मुझे भी कुछ कुछ मिल रहे हैं चांसेस, तो मैं इस वक्त गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आया हूँ। इस टॉपिक का बारे में आप लोग को बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और दोस्तों बताइए कैसे, अभी तो यहाँ पे तो मैं ज़्यादातर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे सभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि Q&A का वीडियो बनाओ कभी दिन। मैं Q&A का मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं डालूंगा Q&A का वीडियो, जहाँ पे आप लोग मुझे जो मनपसंद चाहे क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ये इसका वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं बनाऊंगा Q&A का वीडियो, जहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट जो कमेंट होगे मैं सब कुछ, आप लोग पूछना मुझे क्या पूछना है, मैं कंटिन्यू मैं Q&A का वीडियो मैं बनाऊंगा और आप सबका सवालों का जवाब मैं डेफिनेटली मैं दूंगा। और क्या बताऊँ, पता नहीं अभी। और यहाँ पे मतलब मुंबई पे मैं जैसे ही पहुँच गया, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ पे बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और यहाँ पे और इतना ट्रैफिक, बोलो ही मत, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है मुंबई पे। आधा घंटा का रास्ता, और नहीं 10 मिनट का रास्ता, 1 घंटा 2 घंटा। और हम ऐसे बात नहीं है, पहले भी आया हूँ, और मैं अभी जिस होटल पे हूँ, इस होटल पे मैं पहले भी आया था, मैं और मेरा दोस्त, और सेम होटल पे ही मैं अभी फिर से ठहरा हूँ। आप लोग बताना कमेंट करके। और बहुत ही अकेले आया हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी जाना है अकेले ही जाना है, मैंने ये ज़िंदगी में सीख लिया, क्योंकि दोस्त लोग को लेके आता हूँ बाद में क्रेडिट लेने के लिए शुरू हो जाते हैं। मेहनत तो मेरा होता है, बाद में क्रेडिट लेने के लिए शुरू हो जाता है, मेरी वजह से गया, मेरी वजह से ये किया। आप लोग का जिंदगी में भी ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बताना। कोई दोस्त अगर आपके लिए अगर कुछ करे तो बाद में मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का शहद सबको पसंद होता है, लेकिन मधुमक्खी को रखना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि मधुमक्खी डंखा मारते हैं। ऐसे ही है, आप लोग भी अगर किसी को अगर मदद करते हो, बाद में उसको आप बैड बैटिंग करते हो, तो ये डंखा होता है। तो इसीलिए मैं दोस्त किसी को भी नहीं लाया, क्योंकि दोस्त लोग बाद में डंखा मारते हैं कि मेरी वजह से गया इधर, मेरी वजह से वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इसलिए मैं अकेले आया, वैसे भी अकेले आना चाहिए ज़िंदगी में, मैंने बहुत कुछ सीखा अभी, अकेले जहाँ पे भी हो करना चाहिए। अगर कहीं पे अगर कुछ डिजर्विंग अगर काम हो, परमानेंटली अगर कुछ काम करने के लिए जा रहे हो, तो परमानेंटली अगर काम करने के लिए कुछ जा रहे हो तो अकेले जाना चाहिए। हाँ, जिस जगह में टेम्पोरेली है उसमें तुम ये कर सकते हो, क्योंकि जो मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट का हिसाब से डायरेक्ट अगर बैठ जाए जिस काम पे, उसमें अगर दोस्तों को अगर बुला के करो तो बाद में वो लोग बदल जाएगा, बदलने का बाद हिसाब मांगने के लिए लग जाता है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ है पहले भी। मैं इतना मैं ट्रॉपिक को छेड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने लाइटली लाइटली बता दिया, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा दुख एंड तकलीफ, सबको पता है। जो लोग मुझे बहुत पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, उन सबको पता है कि मैं कितना मेहनत किया मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए, और मेरा बाल इतना तक था, तब से मुझे बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, अभी तो बाल मेरा यहाँ तक पहुँच गया। इतना जब था तब से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं। कौन कौन मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं नया नया था, आप लोग कमेंट करके बताना। और वही है, ज़्यादा बात बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग मुझे प्रे कर देना कि मेरा काम बहुत ही अच्छा से हो जाए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में Q&A का मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप तो डर आप लोग को तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग मन पसंद चाहे नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग कमेंट देना, मैं श्योर मैं दूंगा आप लोगों को। बाय बाय गाइस।